क्या कहें उस पिता से, वो आज भी उदास है। बेटा अफसर बनेगा, उसके दिल में बस यही आस है। बहुत हर्ट होता है जब माँ बाप हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं और हम अभी तक उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाए। जिंदगी में सब कुछ देख लिया, अब बस खुद को कामयाब होते देखना है। जल्द ही लाऊंगा वो दिन जब कामयाबी मेरी होगी और खुशी मेरे माँ बाप की। अरे कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, ये मैं ही जानता हूँ कि मेरा कामयाब होना कितना ज़रूरी है। जैसे पापा नहीं बताते कि वो परेशान क्यों है, वैसे ही एक उम्र के बाद हम लड़के भी नहीं बता पाते कि हम उदास क्यों हैं। कभी सोचा नहीं था कि 18 से 24 वाली एज इतनी खतरनाक होगी। जिंदगी उस उम्र से गुजर रही है जहां नींद कम और करियर का टेंशन ज़्यादा है। स्कूल में तो 6 घंटे काटना मुश्किल होता था, लेकिन आज 12-12 घंटे भी कम लगने लगा है। पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है। अरे कैसे कर लूँ इश्क, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी है। जल्द ही लाऊंगा वो दिन जब कामयाबी मेरी होगी और खुशी मेरे माँ बाप की। हमारे घर वालों को हमसे कामयाबी की आस है, इसलिए ना हम किसी के और ना हमारा कोई खास है। घर से दूर रहकर बहुत कुछ सीखा है मैंने। माँ बाप के बिना जिंदगी कैसी होती है ये पता चल गया है मुझे। लेकिन सपनों की कीमत इतनी बड़ी थी कि माँ और घर दोनों छूट गए। हर उदास शख्स का मसला इश्क नहीं होता, कोई करियर की चिंता में भी पूरी रात नहीं सोता। आजकल स्टूडेंट का बाल विटामिन ई की कमी से नहीं बल्कि करियर की टेंशन से टूटते हैं। अगर समय इतना खराब चल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। सक्सेस होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अपनी प्लानिंग को हमेशा ऐसा रखो कि लोगों को लगता रहे कि तुम हार रहे हो, लेकिन जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए।